हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है फिलोसॉफी सीरीज में। मैं हूं श्री चेतन चंद्रदा। तो ये ट्रू स्टोरी है, सत्य घटना। ग्रीस में ये स्टोरी हुआ था। तो एक व्यक्ति था ग्रीस में, वो जब अपने ऑफिस जाता था, कंपनी जाता था, तो रास्ते पे देखता था कि भक्त जो है हरे कृष्णा जब कर रहे, संकीर्तन, नगर संकीर्तन पे जा रहे हैं काफी सारे ब्रह्मचारी, वो देखता था। तो उसको लगता था ये पागल लोग, ये देखो कैसा ये टक्कल किया है, सिखा है, और कैसे कपड़े पहने हैं, और क्या रास्ते पे जाके नाच रहे और क्या गा रहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो उसको ये लोग अच्छे नहीं लगते थे और उनका मजाक उड़ा था ये व्यक्ति जाते जाते। और फिर बाद में शाम को घर पे आता था तो वो टेबल पे, डिनर टेबल पे बैठ के वो प्लेट लेता था और चम्मच से बजाते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलता था मजाक में, जोकिंगली बोलता था। तो उसके पास में उसका बेटा जो कि 5 साल का था, वो भी देखता था ये मेरे पिताजी मजाक उड़ा रहे हरे कृष्णा वालों का। तो वो भी प्लेट लेता था और वो भी चम्मच से ऐसा बजा के वो भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ऐसा करता था। तो ऐसा डेली होता था, डेली ये व्यक्ति देखता था जब कंपनी जाते वक्त, उसके ऑफिस जाते वक्त हरे कृष्णा वाले डांस कर रहे रास्ते पे और उनका मजाक उड़ाता था, और शाम को आके घर में बैठ के प्लेट बजाते हुए हरे कृष्णा करता था। तो उसका बेटा भी ऐसा करता था। तो ऐसा कई साल चला। फिर एक दिन हुआ ऐसे, ये जो बेटा उसका बाद में बढ़ गया 10 साल, उसके बाद 10 साल के बाद जब ये बेटा उसका 15 साल का हुआ था, तो वो जब रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा ये हरे कृष्णा वाले डांस कर रहे, नृत्य कर रहे। तो उसको अच्छा लगा, वो गया उनके पास और पूछा, अरे आप हरे कृष्णा कर रहे, ये तो मैं हर रोज करता था, मैं हर रोज करता हूँ घर पे बैठ के डिनर टेबल पे ऐसा बजाते हुए, प्लेट बजाते हुए हरे कृष्णा मैं गाता हूँ पिछले 10 साल से। अरे ऐसे तो प्लेट क्यों, आप तो मृदंग करताल बजाओ और उसके साथ गाओ, चलो हमारे साथ। तो उसको भी उसके हाथ में मृदंग करताल दिया और वो गाने लगा, बजाने लगा करताल। और फिर उसको बाद में हरिनाम संकीर्तन होने के बाद मंदिर लेके गए, उसको मंदिर में प्रसाद खिलाया, उसको बहुत अच्छा लगा एनवायरमेंट, और फिर बाद में वो ज्वाइन कर लिया उसने मंदिर। फिर ये पिताजी को पता चला, अरे मेरे बेटे ने ज्वाइन किया मंदिर, ब्रह्मचारी बन गया, तो बहुत गुस्सा हो गए। फिर अगले दिन गए टेंपल प्रेसिडेंट के पास और सबको मिले और बोले कि कैसे है तुम, ये मेरे बेटे को तुमने छीन लिया, आप फिर से दे दो। तो बेटा आया और बोला पिताजी को, पिताजी आपने तो सिखाया था ये हरे कृष्णा करते थे शाम को डिनर के वक्त, और मैं आपसे सीखा, अभी मुझे हरे कृष्णा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इधर ही रहना है, मुझे फिर से नहीं आना। तो पिताजी वैसे ही चले गए, बेटा उधर ही फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गया है। तो इसे देख सकते हैं कि अगर हम मजाक में भी हरे कृष्णा बोलते हैं तो उसका फायदा होता है। इसलिए संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभनम हेलनम एव वा। तो ये श्लोक आता है भागवतम में कि कोई हास्य यानी जोकिंगली भी कोई हरे कृष्णा बोलता है तो उसका इफेक्ट होता है। ये है ट्रू स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।